नमस्कार, आज की बड़ी खबरें। पहले कुछ हेडलाइंस। अमेरिका में नेपालियों ने किया भारत के खिलाफ प्रदर्शन। दूसरी खबर, लिपुलेख पर भारत नेपाल तनाव में चीन कर सकता है एंट्री। तीसरी खबर, सिक्किम सीमा पर भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प। चौथी खबर, नेपाल भारत की सीमा पर भेजेगा और सैन्य बल। पांचवी खबर, लिपुलेख पर नेपाल और भारत के राजदूतों के बीच हुई बात और हुए प्रदर्शन। छठी खबर, नेपाल ने कहा नेपाल को नजरअंदाज कर रहा भारत। सातवीं खबर, 12 सालों से बन रही थी लिपुलेख सड़क, क्या कर रहा था नेपाल। आठवीं खबर, नेपाल जनप्रतिनिधि अपनी ही सरकार से क्यों हुए नाराज। नवीं खबर, लिपुलेख सड़क से भारत को क्या होंगे फायदे। चलिए बढ़ते हैं इन खबरों की ओर अब विस्तार से। लिपुलेख दर्रे तक भारत की सड़क निर्माण से नेपाल काफी आक्रोशित है। अब खबर यह है कि अमेरिका में रह रहे नेपालियों ने भारत के खिलाफ अमेरिका से प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि अमेरिका में रह रहे नेपालियों ने कहा है कि भारत ने कालापानी और लिपुलेख दर्रे क्षेत्र को अपना कहा है, जिससे हमें आपत्ति है। ये प्रदर्शन अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के निकट किया गया, जिसमें लोग नेपाल के झंडे लिए हुए थे और गो बैक इंडिया के नारे लगा रहे थे और भारत के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी कर रहे थे, जिससे इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल मिलेगी। उत्तराखंड के कालापानी के बाद अब लिपुलेख इलाके को लेकर नेपाल में बहस तेज हो गई है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प दहल ने कहा है कि अगर भारत कूटनीतिक तरीके से सीमा विवाद के हल को नजरअंदाज करता है तो नेपाल फैसला करे कि उसे किस स्तर पर आगे बढ़ना है। उत्तराखंड में स्थित लिपुलेख पर नेपाल अपना दावा पेश करता है और उसने भारत द्वारा सड़क निर्माण के कदम का विरोध किया है। नेपाल के ऐतराज पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सड़क पूरी तरह से भारत के क्षेत्र में है। रविवार को नेपाल की संसद में भी लिपुलेख को लेकर भारत के साथ सीमा विवाद का मुद्दा उठा। राज्य और सुशासन समिति की एक बैठक में नेपाल के पूर्व पीएम पुष्प दहल ने कहा, नेपाल को भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए पहले उच्च स्तरीय राजनीतिक और कूटनीतिक चैनलों का इस्तेमाल करना चाहिए। दहल ने सांसदों को जवाब देते हुए कहा कि अगर समस्या का समाधान करने में इससे मदद मिलती है तो नेपाल को इन नतीजों पर पहुंचना होगा कि आगे क्या करना चाहिए। नए घटनाक्रमों के बीच नेपाल में यह मांग भी उठ रही है कि इस मुद्दे को चीन के सामने उठाया जाए। भारत कैलाश मानसरोवर लिंक रोड के तहत धारचूला से तिब्बत को जोड़ना चाहता है, जिसके लिए वह बीजिंग से संपर्क में है, यानी कि इसमें चीन का एंगल भी सामने आया है। सिक्किम सीमा पर काफी समय बाद एक बार फिर से भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई है। उत्तरी सिक्किम में शनिवार को भारत और चीन सैनिक आमने सामने आ गए और टकराव हुआ है। भारतीय सेना के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि इस इलाके में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच लंबे समय बाद यह टकराव देखने को मिला है। दोनों ओर से भारी तनाव और बहसबाजी हुई। इतना ही नहीं, इस टकराव में दोनों तरफ के सैनिकों को हल्की चोटें भी लगी हैं। हालांकि इस टकराव में स्थानीय स्तर के हस्तक्षेप और बातचीत के बाद सुलह कर ली गई। सेना के सूत्रों ने बताया कि सीमा विवाद के चलते भारत और चीन सैनिकों के बीच यह टकराव हुआ है। जब कभी ऐसा कोई विवाद होता है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक दोनों सेनाएं इसे सुलझा लेती हैं। बता दें कि भारत चीन सीमा से लगने वाले सिक्किम सेंटर के नाकुला के पास यह घटना हुई है। लिपुलेख में मानसरोवर लिंक रोड का उद्घाटन करने से नाराज नेपाल अब भारत पर अब तीखे रुख अपना रहा है। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने कहा है कि अब भारत के साथ सीमा पर सैन्य सुरक्षा तैनात की जाएगी। बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस रोड का उद्घाटन किया था, जिसके बाद नेपाल ने काफ़ी ज़्यादा नाराजगी जाहिर की और अब सुनने में आ रहा है कि नेपाल भारत नेपाल बॉर्डर पर अपनी सैन्य सुरक्षा लगाएगा। लिपुलेख और कालापानी मुद्दे पर भारत और नेपाल के रिश्तों में फिर से तनाव नजर आ रहा है। नेपाल ने भारत को चीन से जोड़ने वाली सड़क परियोजना को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है।
वही काठमांडू में स्थित भारतीय दूतावास के सामने नेपाली लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। सोमवार को नेपाली विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत को तलब कर आधिकारिक विरोध ज्ञापन सौंपा। नेपाल विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन के साथ बैठक कर सीमा मुद्दे पर नेपाल की स्थिति से अवगत कराया और एक राजनीतिक नोट भी सौंपा। जिस सड़क को लेकर विवाद है उसका उद्घाटन शुक्रवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो लिंक के जरिए किया था। 17,000 फुट की ऊंचाई पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी यह सड़क उत्तराखंड के धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ती है। इस सड़क के बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रा में तीर्थयात्रियों को सहूलियत मिलेगी, जिसे लेकर अब काफी विवाद उठ चुका है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने रविवार को कहा कि भारत सरकार लगातार सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत के नेपाल के सवालों को नजरअंदाज कर रही है। नेपाल ने कहा है कि उसने हमेशा यह साफ किया है कि सुगौली समझौता 1816 के तहत काली नदी के पूर्व का इलाका लिम्पियादुरा, कालापानी और लिपुलेख नेपाल का है। उनका कहना है कि नेपाल सरकार ने कई बार पहले और हाल में भी कूटनीतिक तरीके से भारत सरकार को उसके नए राजनीतिक नक्शे जारी करने पर बताया था। नेपाल ने कहा है कि यह कदम दोनों देशों के बीच समझ के खिलाफ है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने रविवार को कहा कि भारत के साथ कूटनीतिक पहलों के जरिए सीमा विवाद सुलझाने के प्रयास जारी हैं। ग्यावली ने उत्तराखंड में धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली एक सड़क को लेकर नेपाल की ओर से आपत्ति जताए जाने के एक दिन बाद यह बात की है। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने संसद में एक विशेष प्रस्ताव पेश कर कालापानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख में नेपाल के क्षेत्र को वापस लेने की मांग की है। इसके बाद ग्यावली ने संसद में यह बात कही। संसद में दावा किया गया कि महाकाली नदी के पूर्वी हिस्से पर लगभग 4,000 वर्ग किलोमीटर भूमि का अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने अपने प्रस्ताव में नेपाल सरकार से इसे वापस लेने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। विदेश मंत्री ने कहा है कि सड़क निर्माण दोनों देशों के बीच समझ के खिलाफ है और बातचीत के माध्यम से सीमा से संबंधित मुद्दों का हल खोजा जाएगा। ग्यावली ने दावा किया है कि नेपाल से संबंधित क्षेत्र वैसे ही हैं जैसा 1816 में सुगौली संधि में जिसका जिक्र है। संधि के बाद नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सरकार के बीच 3 पूरक दस्तावेजों का आदान प्रदान भी हुआ था और उस स्थिति को बदलने के लिए कोई अन्य समझौता नहीं हुआ। उन्होंने संसद को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को कूटनीतिक माध्यमों के जरिए हल किया जाए और इस दिशा में प्रयास जारी है। कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र में ब्यास ग्राम पालिका के अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढ़ाधोकी ने कहा कि उन्होंने महाकाली नदी के इलाके में नेपाली जमीन पर भारत की ओर से निर्माण सामग्री और उपकरण लाने के बाद सांसदों और स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में बताया था। दिलीप सिंह बुढ़ाढोकी इस बात को लेकर नाराज हैं कि सरकार से संसद में मुद्दा उठाए जाने पर भी निर्माण को रोकने के लिए पहल नहीं की गई। उन्होंने कहा, हमने सांसदों से मामले को सरकार के सामने उठाने के लिए कहा था। यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया था। हमने स्थानीय प्रशासन को भी सूचित किया था, लेकिन कहीं से कोई पहल नहीं की गई। यही वजह है कि हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नेपाल की आपत्ति पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने शनिवार को कहा, हाल ही में पिथौरागढ़ जिले में जिस सड़क का उद्घाटन हुआ है वो पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में पड़ती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्री इसी सड़क से जाते हैं। बुढ़ाढोकी के अनुसार वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अन्य देशों के साथ सीमा विवाद को हल करने का अधिकार स्थानीय सरकार के पास नहीं बल्कि केंद्र सरकार के पास है। रविवार को संसद में बोलते हुए विदेश मंत्रालय के मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा था कि नेपाल सरकार को पहले से ही पता था कि भारत सड़क का निर्माण कर रहा है और इसे रोकने के लिए भारत को बार बार चिट्ठी भी लिखी गई थी। दिलीप सिंह बुढ़ाढोकी ने कहा कि सड़क बनाने के लिए भारत ने विस्फोटक का इस्तेमाल किया, इस वजह से उनके गाँव जाने वाली सड़क
कई जगह पर मलबे से भर गई है। वो बताते हैं कि टिंगर और छुंगरू गांव जाने के रास्ते में समस्या है। कहा जाता है कि विस्फोट से जो ईंट पत्थर गिर रहा है उससे महाकाली नदी का सतह ऊपर आ रहा है। रडोकी कहते हैं कि भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने हमें नेपाल में महाकाली क्षेत्र में मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन जब उन्होंने हमारी जमीन से चीन तक एक सड़क का निर्माण कर लिया है। इसीलिए नेपाल सरकार के ये प्रतिनिधि नेपाल की सरकार से काफी नाराज हैं। राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सड़क का उद्घाटन करने के बाद कहा था कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ स्थली अब 3 सप्ताह की जगह 1 सप्ताह में अपनी यात्रा करने में सफल होंगे। उन्होंने कहा था कि इस महत्वपूर्ण सड़क संपर्क के पूरा होने के साथ ही स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों के दशकों पुराने सपने और आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया था कि इस सड़क के चालू होने से क्षेत्र में स्थानीय व्यापार और आर्थिक वृद्धि को भी मजबूती मिलेगी। सेना के अधिकारियों ने कहा कि यह सड़क चीन की सीमा से लगते रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में सैनिकों के त्वरित आगमन में भी मदद करेगी, जो कि इस सड़क के भारत के फायदे हैं।